सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ पहुंचे बालाघाट, टाइगर सफारी का उठाएंगे लुत्फ। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और कान्हा के आसपास के इलाका आदिवासी बाहुल है। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन यहां लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने आ रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पत्नी डॉक्टर अंजलि सचिन तेंदुलकर के साथ मंगलवार यानी 24 अक्टूबर को कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचे। मंगलवार की दोपहर सचिन तेंदुलकर प्लेन से रायपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे और दो दिन के प्रवास पर बालाघाट आए। इसके बाद सड़क मार्ग से कान्हा फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस पहुंचे। रेस्ट के बाद सचिन और अंजलि देश और दुनिया के प्रसिद्ध कान्हा के टाइगर्स का दीदार करेंगे। सूत्रों की माने तो सचिन तेंदुलकर दो दिन तक कान्हा में ठहरेंगे और लगभग 3-4 बार सफारी करेंगे। कान्हा में सांसद और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के आगमन से कान्हा प्रबंधन भी उत्साहित है। आदिवासी मतदाताओं से वोट करने की अपील। जानकारी के लिए बता दें कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और कान्हा के आसपास वनवासी क्षेत्र होने से यहां बड़ी संख्या में आदिवासी निवासरत हैं। ऐसे में वह यहां आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों से मिलेंगे। इसके लिए कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। सचिन तेंदुलकर के माध्यम से स्वीप के तहत आदिवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर की इस ट्रिप के बारे में कान्हा नेशनल पार्क के मैनेजमेंट ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल सचिन और अंजलि कान्हा के बालाघाट इलाके में आने वाले मुख्य रेंज में स्टे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर के आने की जानकारी नेशनल पार्क प्रबंधन को भी नहीं थी। क्रिकेटर के आने के बाद उनके रुकने की व्यवस्था तुरंत की गई। कान्हा नेशनल पार्क सफारी में दिखते हैं कई बाघ। जानकारी के अनुसार सुबह शाम होने वाली जंगल सफारी में टूरिस्ट को करीब 5 बाघ दिख जाते हैं। ऐसे में सचिन तेंदुलकर को भी टाइगर्स दिख सकते हैं। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।